हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। मैंने आपसे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं कैलगरी और एडमंटन के कंपैरिजन की बात करूंगा, तो आज वही बात करने आया हूं। अब मौसम में आ रही है ठंडक, जो कि फॉल सीज़न धीरे धीरे पिकअप कर रहा है और ठंड आ जाएगी आगे, ये सारे नज़ारे जो हैं ये इस बर्फ़ से ढक जाएंगे। तो आज चलो कैलगरी और एडमंटन के बारे में बताते हैं आपको डिटेल में। ये कुछ थोड़े से दिन रह गए हैं, ये जो फूलों की आप खूबसूरती देख रहे हो, बस उसके बाद में तो ये कहाँ दिखने, ये सारे गल जाने हैं, उसके बाद अगले साल दिखेंगे। मेरे को देखो यहाँ काला चश्मा लगाना पड़ रहा है क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। बात कैलगरी और एडमंटन की करने लगा हूँ तो दोनों ही बड़े अच्छे शहर हैं। कैलगरी यहाँ है और एडमंटन यहाँ नॉर्थ में है, सिंपल ज्योग्राफी। कैलगरी और एडमंटन का जो डिस्टेंस है वो लगभग 280 किलोमीटर्स है, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से स्टार्ट करते हो और कहाँ आपने जाना है। और दोनों बड़े अच्छे शहर हैं। राजधानी एडमंटन है, लेकिन एरिया वाइज जो है स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कैलगरी बड़ा शहर है और पॉपुलेशन भी कैलगरी की ज़्यादा है। लेकिन जो अब हम बात करेंगे फ़र्क की, एडमंटन खुला डुला है, यहाँ पे कभी ट्रैफिक कंजेशन आपको मिलता नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिंग रोड है एडमंटन की। वेयर एज़ अगर आप कैलगरी जाते हो वहाँ कोई रिंग रोड नहीं है और ट्रैफिक कंजेशन जो है वो वहाँ की एक रेगुलर प्रॉब्लम है, चाहे गर्मी का सीज़न हो चाहे सर्दी का हो, वहाँ पे कैलगरी में आपको ट्रैफिक कंजेशन मिलता है, स्पेशली रश आवर जो कि मॉर्निंग टाइम है या इवनिंग टाइम है, जब लोग ऑफिस जाते हैं या वापस आते हैं, स्कूल्स के टाइम होते हैं, वो वाले। कैलगरी का प्लस पॉइंट, कैलगरी जो एक नेचुरल प्लेग्राउंड जैसा है कि इस तरफ बैनफ है, पहाड़ हैं, और दूसरी तरफ आपके साउथ ऑफ द बॉर्डर लगना शुरू हो जाता है, अच्छी खूबसूरती लगती है। और कैलगरी जो है US बॉर्डर के पास है एज़ कम्पेयर टू एडमंटन। एडमंटन वेयर एज ऑन द अदर हैंड नॉर्थ में है, थोड़ा ज़्यादा ठंडा इलाका है, और नॉर्दर्न मोस्ट सिटीज़ में अमेरिका की या कनाडा की अगर आप कंपैरिजन करो तो एडमंटन एक ऐसा सिटी है जो नॉर्थ में पूरा भरा पूरा सिटी होने के बाद पूरी फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। अब आते हैं जॉब्स के ऊपर। कैलगरी में जो जॉब्स हैं वो ज़्यादातर वाइट कॉलर या मैनेजमेंट जॉब्स या हाई लेवल जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। एडमंटन में नॉर्मल जॉब्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, ऑब्वियसली मैनेजरियल जॉब्स भी हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, पर जैसे जाना जाता है इन शहरों को कि कुछ रीजनल ऑफिसेज जो कंपनीज़ के हैं वो ज़्यादातर कैलगरी में हैं, वेयर एज एडमंटन में साइट्स होती हैं, वर्क साइट्स होती हैं, या यहाँ से कनेक्टिविटी दूसरे रिमोट एरियाज़ की ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं एडमंटन में ऑयल बेस्ड जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, चाहे वो ड्रिलिंग का है, चाहे वो स्टोरेज का है, चाहे वो रिफाइनिंग का है, और उस तरह की जॉब्स एडमंटन के एरिया में बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं खुद कहूँ तो आपको छोटा सा कंपैरिजन देता हूँ, कभी न्यूज़ आती रहती हैं, कैलगरी में आज की डेट में स्कूल्स में क्लास साइज़ काफ़ी बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू एडमंटन। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर एडमंटन में क्लास साइज़ में अगर 35 स्टूडेंट्स हैं तो कैलगरी में इस टाइम 45 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और स्कूल जो है अभी वहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू दी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उनको शायद थोड़े और स्कूल खोलने चाहिए, कैलगरी को और एडमंटन दोनों को ही खोलने चाहिए। स्कूल्स तो जितने खुलें उतना अच्छा है, उतने एजुकेशन अच्छी होती है। शुक्र है थोड़ी धूप कम हो गई तो अब मैं आपसे देख के बात कर सकता हूँ सामने। अगर हम कैलगरी का देखें तो कैलगरी में इस टाइम घरों की कीमतें एडमंटन से ज़्यादा हैं। सिंगल फैमिली होम जो है वो लगभग 6.25 लाख डॉलर से लेके 7 लाख डॉलर के बीच में आता है। सिंगल फैमिली होम का मतलब हुआ कि एक घर जिसके अंदर ज़्यादातर 3 बेडरूम होते हैं, और वेयर एज एडमंटन जैसी जगह में आज की डेट में अभी वो 4.5 से 5 लाख डॉलर के अंदर आपको फिर भी अच्छा सिंगल फैमिली होम मिल जाता है। हम कैलगरी और एडमंटन का जब कंपैरिजन करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें देखने लायक होती हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेदर।
वेदर इसलिए क्योंकि हर एक आदमी को वेदर के बारे में सोचना चाहिए अगर आप किसी शहर में रहने के लिए मूव हो रहे हो। एडमंटन का वेदर थोड़ा सा हार्श है कैलगरी के मुकाबले। हार्श है मतलब यहाँ पर ठंड जो है, सर्दी जो है वो बहुत बुरी पड़ती है। कई बार एडमंटन में टेम्परेचर -45 तक जाता है, और वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं जाता, कई बार हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते तक -40 या -45 के बीच में होता है। जबकि कैलगरी में वेदर थोड़ा एडमंटन के मुकाबले अच्छा है। अगर मैं अच्छा कहूँ, थोड़ा माइल्ड है वहाँ पे। अगर आज -40 है तो हो सकता है 3 दिन बाद आपको फिर -15 -18 भी मिल जाए, जो कि लोगों को थोड़ा सुकून मिलता रहता है बीच में। जबकि एडमंटन में जब ठंड पड़ती है तो सुकून काफ़ी देर के बाद मिलता है। अब कैलगरी के वेदर का एक नुकसान भी है। जब से मैं यहाँ रहना शुरू हुआ हूँ, एक बार कैलगरी में फ्लड्स आए थे बहुत ज़्यादा, और काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके अलावा कैलगरी में ओले पड़ते हैं। ओले जब पड़ते हैं तो वो लगभग इतने बड़े बड़े ओले पड़ते हैं कि यहाँ पे कई कारों के ऊपर निशान पड़े होते हैं। वो ऐसे लगता है जैसे किसी ने हथौड़े से पूरी कार पे मारा हो, या उनकी छतें उड़ जाती हैं, उनकी खिड़कियाँ टूट जाती हैं। वो चीज़ें एडमंटन में फ़िलहाल अभी तक मैंने नहीं देखी हैं, ना मैंने सुनी हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। यहाँ बादल और सूरज जो है वो ना छुपन छुपाई खेल रहे हैं, तो बीच में कभी सूरज आ रहा है, कभी जा रहा है। लेकिन मैं इसलिए आराम से बैठ के आपको बताना चाहता हूँ कि दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, और आदमी कहता है कि चलो आज मैं सारी चीज़ डिटेल में बताऊँ। अब डिटेल की बात हो रही है तो क्राइम रेट की बात करनी बड़ी ज़रूरी है। जब आप कभी अपनी फैमिली के साथ रहते हो, और फैमिली के साथ रह के आप ज़रूर देखना चाहोगे कि भी एरिया सेफ है कि नहीं। अब कैलगरी में क्राइम जो है वो एडमंटन के मुकाबले काफ़ी कम है। एडमंटन में थोड़ा क्राइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैलगरी, एज सिंपल एज़ दैट। रिपोर्ट्स चेंज होती रहती हैं। और अगर हम होमलेसनेस की बात करें, जो लोग बेघर हो जाते हैं, कनाडा में भी लोग बेघर होते हैं, आपको लोग टेंट में दिख जाते हैं या गरीब हो जाते हैं। कईयों का फैसला गलत हो जाता है पैसों के हिसाब से, या कई लोग ड्रग्स में पड़ जाते हैं तब बेघर हो जाते हैं। एडमंटन में होमलेसनेस ज़्यादा है कैलगरी के मुकाबले। अगर आप कैलगरी जाते हो तो आपको होमलेस लोग जो हैं वहाँ बहुत कम दिखते हैं एडमंटन के मुकाबले। अब हॉस्पिटल्स की बात करें, दोनों ही शहरों में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, दोनों ही शहरों में बड़ा अच्छा क्वालिटी का इलाज होता है, तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। दोनों शहरों में आप कहीं पे भी रहो, डॉक्टर्स इजीली एक्सेसिबल हैं, फार्मेसीज इजीली एक्सेसिबल हैं, स्टोर्स लगभग सारे एक जैसे होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको इंडियन सामान कहाँ मिलता है, कितना मिलता है, किस रेट पे मिलता है। और मैंने कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं देखा एडमंटन और कैलगरी में। अगर आप रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हो, या इंडियन स्टोर से आप कोई मसाले ख़रीदते हो, वो लगभग चीज़ें बड़ी इजीली एक्सेसिबल हैं। बात एजुकेशन की चली है तो हायर एजुकेशन की बात करूँगा। एडमंटन में जो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा है वो बहुत रिनाउंड है, रिनाउंड है, और कनाडा में उसकी बहुत अच्छी वैल्यू है। सो अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो और मास्टर्स करने आ रहे हो या डिग्री करने आ रहे हो, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, UofA भी कह देते हैं उसको, एडमंटन के बारे में आप ज़रूर अपनी कंसिड्रेशन में रखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी अच्छी एजुकेशन मिलती है जो कि बड़ी अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज्ड है कनाडा और USA में। अब कैलगरी की बात करें, कैलगरी में नाइट लाइफ ज़्यादा अच्छी है। अगर आप नाइट लाइफ के शौकीन हो तो कैलगरी बहुत ज़्यादा ऑफ़र करता है इन टर्म्स ऑफ नाइट लाइफ या लीजर एक्टिविटीज़ एज़ कम्पेयर्ड टू एडमंटन। अब ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप कहीं नई जगह पे मूव करते हो, स्पेशली आपने चाहे पढ़ने जाना है चाहे काम पे जाना है। तो उस बारे में बता दूं कि कैलगरी में जो कैलगरी ट्रांज़िट है उनकी सर्विसेज एडमंटन से ज़्यादा अच्छी हैं, एडमंटन ट्रांज़िट सर्विस के मुकाबले। सिटी ज़्यादा सेफ़ है, उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। अब कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कैलगरी वेल कनेक्टेड है एज़ विद यूरोप। कैलगरी से आपको लंदन की, पेरिस की, एम्स्टरडेम की फ़्लाइट्स ज़्यादा मिलती हैं। एडमंटन से जो फ़्लाइट्स हैं वो ज़्यादातर एम्स्टरडेम की ही होती हैं। तो अगर आप इस तरह का देखना चाहते हो कि भाई आप कितनी बार ट्रैवल करते हो साल में, या किन किन जगहों पे ट्रैवल करते हो, तो ये दो फैक्टर्स भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको पता होता है कि भाई एडमंटन में मेरे को बसेस आधे आधे घंटे बाद मिलनी है, वेयर एज़ कैलगरी में थोड़ा सा बेटर है। और अगर हम
कैलगरी को ओवरऑल देखें, हर एक अपनी पसंद होती है। जैसे कोई लोग माउंटेन वाले रीजन्स में रहना पसंद करते तो उनके लिए कैलगरी ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी बेटर चॉइस होगा। अब कई लोग अगर प्लेन एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं तो उनके लिए एडमंटन ज़्यादा अच्छी बेटर चॉइस होगा। ये सारी चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई ताकि अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे, चाहे वर्क परमिट, और स्पेशली अगर कैलगरी एडमंटन आ रहे हो, तो इन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर कीजिए और फिर उसके बाद में अपना फ़ैसला कीजिए। और मुझे खुशी होती है जब मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं कैलगरी और एडमंटन से रिलेटेड, फील वेलकम टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ज़रूर लिखो कमेंट्स में, मैं उसका ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। या आप कोई आगे कोई व्लॉग देखना चाहते हो स्पेसिफिकली एडमंटन या कैलगरी के बारे में, तो वो भी बनाना चाहूँगा। ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर, फिर मिलेंगे। हैव अ लवली डे।